बेस्ट तरीके से आपके जो फोर आर्म्स हैं, ये देखो गाइस, जो डंबल रहेगा यहाँ से पकड़ना है हमें, ये स्ट्रेच यहाँ पे अच्छे से हिट करना है अपने, डिफिकल्ट जो पार्ट रहेगा इसका, इसको बैलेंसिंग क्या रहेगा, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट डाउन एंड हिट, तो बिल्कुल स्लो स्लो लेकर। हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आप लोगों के लिए मैं बेस्ट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ, आपके फोरआर्म्स कैसे ट्रेन कर पाएंगे हम इस वाले सेशन में, और आपको जो भी एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा इतनी बेस्ट बेहतरीन एक्सरसाइज रहेंगी कि आप अपने घर के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। ये वाला कोई भी मेरा भाई जो सिर्फ और सिर्फ होम बेस्ड वर्कआउट पे डिपेंड रहता है, प्लीज़ मेरा चैनल फॉलो करें यानी कि सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे रूटीन्स लेकर आता रहता हूँ न्यू बिगनर्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ होम बेस्ड वर्कआउट पे डिपेंड रहते हैं। तो चलो आप अपना वार्म अप ज़रूर लें, बिना वार्म अप के अपनी मेन एक्सरसाइज पे बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलो चार एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ, दो करेंगे डंबल से और दो करेंगे अपने रॉड से, या फिर एक करेंगे अपने मशीन पे, ताकि आपको वेरिएशन कुछ अलग अलग डिफरेंस में मिले। और आप लोग कोई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिम में भी जाते हैं, आज भी बहुत सारे पिंग्स आए हुए थे, एक रोहित कोहली भाई हैं, एक साक्षी कोहली हैं, उनके भी मैसेज आए हुए थे कि भैया बहुत 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 अच्छी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ चेस्ट वर्कआउट पर लेकर आओ। तो मेरा कल या परसों मेरा चेस्ट वर्कआउट का डे होगा, तो आप लोगों के लिए बेसिकली, और कुछ मेरे भाई जो पिछले कमेंट्स में भी आए हुए थे, तो उन लोगों के लिए बेस्ट वेरिएशंस में और घरेलू एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। चलो अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी डंबल पे करेंगे। तो गाइस अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी फोरआर्म्स के लिए करेंगे डंबल पे। मैंने 5 और 5 बोथ साइड 10 का वेट लिया। आप लोगों के लिए जो ये वेरिएशन रहेगा बहुत 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 बेस्ट वेरिएशन रहेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये एक्सरसाइज हमेशा बताता हूँ, रूटीन में रखता हूँ अपने, क्योंकि ये बेस्ट एक्सरसाइज है और घर के अंदर कर सकते हैं, इससे नेचुरल जो आपकी बिल्ड बनेगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो चलो इस तरीके से अपनी ग्रिपिंग रखें, इस तरीके से ग्रिपिंग रखनी है, चेस्ट अप रखनी है और थोड़ा सा हाथ को इस तरीके से रखें। नाउ ट्विस्ट, ये देखो कितने बेस्ट तरीके से आपके जो फोरआर्म्स हैं वो मूव होंगे, ये देखो गाइस, और जितना हो सके ना स्लो स्लो करेंगे और मूवमेंट के साथ करेंगे, मसल कनेक्शन अपने माइंड के साथ करेंगे, उतना आप लोगों को फील आएगा। कोशिश करें आंखें बंद करें और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कम से कम इसके लें 15 रेपिटेशंस, 1 2 3। आपके ये वाला पार्ट भी अच्छे से होगा, ये वाला पार्ट भी बहुत बहुत बेस्ट तरीके से होगा। चलो 3 सेट लेने हैं और 15 रेपिटेशंस तीनों सेट्स में। अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी पर्टिकुलर इस वाले पार्ट को ट्रेन करने के लिए रहेगी, बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी ये वाली। इसके जो बैलेंस रहेगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर ऐसे करके बताऊँ ऐसे करके बताऊँ तो वो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है, लाइट वेट पर करना है और अपने बेस्ट चीज़ें देनी है आप लोगों को, यानी कि बेस्ट डिलीवर चीज़ें करनी है आप लोगों के लिए। तो चलो वेट मैं अपना 5 और 5 का ही लूँगा दोनों साइड पे, जिस मेरे भाई को हैवी करना है तो हैवी कर सकता है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें मेंटेन करके चलें। तो चलो इस तरीके से रखना है, जो डंबल रहेगा यहाँ से पकड़ना है हमको और इस तरीके से रखना है, ये वाला डंबल भी इस तरीके से, और ये हिट स्लो, ये स्ट्रेच करा एंड ये हिट, ये स्ट्रेच एंड हिट, यहाँ पे अच्छे से हिट करना है अपने मसल को यानी कि फोरआर्म मसल को। ये देखो अब देख लो कितने बेस्ट मूवमेंट में, ये देखो गाइस स्लो एंड ये हिट, स्लो एंड ये हिट। कोशिश करें अपनी कलाई को इस तरीके से स्ट्रेच करें एंड यहाँ पे हिट मारें, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो एक बार ना लाइट वेट पे करके देखना ये वाली एक्सरसाइज, और एक हाथ से करना सिंपल, यहाँ पे रखना एंड ये हिट करना, ये देखो बहुत 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 अच्छे तरीके से इस पर आपकी जो मसल ट्रेन होगी ना ये वाली। लोग कहते हैं कि हम अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर पाते घर के अंदर, पर जो मैं एक्सरसाइजेस बताता हूँ ना, मेरे को अब इतने कॉमेंट आते हैं, इतना प्यार करते हैं लोग कि भाई बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं, हम लोगों ने लाखों वाली वीडियोज़ भी देख ली हैं जिस पे लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं या व्यूवर्स हैं या व्यूज़ आते हैं, उनमें जो ये चीज़ जो मटेरियल मैं देता हूँ ना बोल कर वो कोई नहीं देता होगा, आई एम श्योर। चलो जो ये एक्सरसाइज मैंने बताई है इसके 3 सेट लेने हैं
और प्लीज एड ऑन जरूर करना गाइस, प्लीज करना। आप लोगों को जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला फाड़ के बाहर आएगा। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो गाइस अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे छोटी वाली रॉड पे, मशीन पे करेंगे। अगर किसी भी मेरे भाई के पास मशीन पे नहीं करने का ऑप्शन है तो वो डंबल से करेगा, सेम टू सेम, जैसे वेरिएशन में मैं बताऊंगा सेम टू सेम, वैसे ही वेरिएशन में आपको ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसका बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि इसमें आपको लोड जो रहेगा ना आपके बैलेंस बनाने पे सबसे ज़्यादा रहेगा। इसको बैलेंस बनाने का सबसे मतलब डिफिकल्ट जो पार्ट रहेगा इसका, इसको बैलेंसिंग का रहेगा, क्योंकि आपके हाथ को यहाँ पे फोर्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करके फिर ये एक्सरसाइज जो परफॉर्म करनी पड़ती है ना उसी में बंदे हिल जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। तो चलो लाइट वेट रखना, मैंने इसको 10 का वेट लिया। इस तरीके से रखना हाथ को, यहाँ पे रखें हाफ रेंज में यानी कि 45 डिग्री के, और यहीं पर ही रखना, थोड़ा सा पीछे हो जाए। नाउ स्ट्रेच एंड हिट, ये स्ट्रेच एंड हिट। स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट। जो ये वाला पार्ट होगा ना पत्थर की तरह मसल बन जाएंगी आपकी इस पे। चलो इसके 3 सेट लेने हैं और पर सेट पे एटलीस्ट 12 से 15 रेपिटेशन लेने हैं, कम नहीं करने हैं, 12 से नीचे जाना ही नहीं है अपने को। हैवी वेट ले सकते हो तो आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं हमेशा लाइट वेट पे ही करना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि सबसे जो सॉफ्ट हमारी जो बोन होती है वो हमारी रिस्ट होती है। अगर रिस्ट, अगर इस पे थोड़ा सा भी इंजरी हुआ या पेन हुआ तो आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें कि लाइट वेट से परफॉर्म करें, बेस्ट वेरिएशन में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्फिडेंट होके। चलो चलते हैं लास्ट और फाइनल अपने वर्कआउट पे। गाइस अपनी जो लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज रहेगी करेंगे इस वाली रॉड पे। ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये रॉड ही कम से कम 20 किलो की है, तो अगर खाली रॉड से ही करोगे तो आप लोगों को वैसे ही इतना इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी मसल पे। जितना सिंपल आप अपनी एक्सरसाइज को बना के रखोगे और परफॉर्म करोगे उसको, उतनी आपके लिए सेफ्टी भी रहेगी और अट्रैक्टिव भी रहेगी वो वाली एक्सरसाइज। तो चलो इस पर 5 और 5, टोटल 10 का वेट लिया है, रॉड का वेट आपको पता ही है। तो चलो बेसिकली ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली मसल को ट्रेन करेंगे अच्छे से। काफ़ी लोग होते हैं कि ये वाली मसल को और ये वाली मसल पे ज़्यादा कोशिश करते हैं, या उन लोगों को वही एक्सरसाइजेस पता होती हैं जो वो डेली रूटीन में देखते हैं या करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन में आपको अपनी मसल ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो इस तरीके से रखना, बिल्कुल डाउन एंड हिट, टिप्स तक जाना है बिल्कुल, ये हिट, टिप्स तक गए, ये हिट, टिप्स तक गए, ये हिट, टिप्स तक गए, टिप्स तक, यहाँ तक डेड एंड तक जाना आपने, ये हिट, डेड एंड तक गए गए गए, ये हिट। इतना और बिल्कुल स्लो स्लो लेकर आना है यहाँ पे हिट एंड 1 सेकंड का पॉज। हो सके तो लाइट वेट ही रखना, क्योंकि हैवी रहेगा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें जो आपको चाहिए, ट्रस्ट मी। तो लाइट वेट से करना बेस्ट वेरिएशन है, करके देखना। इसके 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे एटलीस्ट 15 रेपिटेशन ले, वॉल्यूम अपना रेपिटेशन का ज़्यादा रखना है। चलो तो आई होप कि आप लोगों को जो ये सेशन बताया मैंने अपने वर्कआउट का, यानी कि 4 आर्म वर्कआउट का, पसंद आए। और चैनल पर कोई भी मेरा भाई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने लव वंस से, और एक बेस्ट और मोटिवेशनल कमेंट जरूर डालें, ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे वेरिएशंस में, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली एक्सरसाइजेज मैं ले कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत सारी मोटिवेशन और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोशिश रहती है मेरी हमेशा। चलो टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो बाय बाय।